वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम मेरे पास एक कैंडी का वॉशर है 9 किलोग्राम्स का, टच स्क्रीन है, फुली ऑटोमेटिक है। इसके बटन कुछ प्रॉब्लम करें, लाइक टच बटन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आज मैं इसको ओपन करूंगा, जो कि मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूं। मैं आपको साथ साथ प्रोसीजर बताता रहूंगा। मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, जस्ट यूट्यूब पर मैंने इसकी थोड़ी बहुत ट्रबल शूटिंग बटन की किस तरह होती है वो देखी और मैं इसको ट्रबल शूट करूँगा। तो आप लोग मेरे साथ रहिए और गौर से देखिए, अगर किसी किस्म की क्यूरी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जी जी फ्रेंड्स, तो ये हमने आपको बताया कि कैसे इसको ओपन करना है। अब हम आपको बता दें कि जो बटन्स हैं, बटन्स जो होते हैं वो यहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, ये टच बटन्स कहलाते हैं। ये टच पैनल सा इन्होंने छोटा सा लगाया हुआ है, ये छोटी सी इसका बोर्ड सा इन्होंने बना के लगाया हुआ है। इसको हमने सिर्फ अभी साफ़ किया है, अगर ये फिर भी वर्किंग ना कर रहा हो फिर इसको उतार के इसकी दूसरी वाली साइड को अच्छे तरीके से रैप करके उसमें एलुमिनियम की टेप लगाई जाती है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सके। अभी हम फिलहाल इसको सिर्फ साफ़ करके और फिर इसको दोबारा चेक करके देखेंगे कि आया कि ये अपनी टच पैनल्स में साफ, हमने जैसे साफ कपड़े से इसकी डस्टिंग वगैरह को रिमूव किया या इसके ऊपर कोई स्टेन वगैरह थे तो हल्का सा उस बटन यहाँ पर, जैसे अगर देखें आप तो ये प्ले का बटन है, ये बाकी उसके स्पिन का बटन है और ये सारे बटन हैं, ऑप्शन हैं डिफरेंट। इसमें 3-4 बटन हैं जो कि तकरीबन 5 बटन ये टच के हैं, ये 6 बटन। तो अब हमने इसका जो पैनल है वो ये पीछे था, इसको हमने ओपन भी कर लिया था, आपको ओपन करने का तरीका बताया था और हम इसको जो है अब इसको हम बंद करने जा रहे हैं, वाइंड अप करने जा रहे हैं। तो आप इसको स्टेप्स को देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले ये लाइट्स हैं जो कि लाइट्स ये देखें, इसको हम ये जस्ट प्रेस किया तो ये अपनी जगह पे फिक्स हो गई। अब ये हमने वहाँ जाके इसको इसकी सेटिंग्स लगानी है, ये मेन जो है ये बोर्ड के साथ कनेक्ट करना है। आइए लाइट्स हम कम एक दफा पकड़ना पड़ेगा गाइस, ये थोड़ी देर मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ से हेल्प लूँगा, थोड़ा सा वापस खींचे। यहाँ पे जैकेट है, इसको मैंने खींच के ओपन किया, अच्छे तरीके से पुश करूंगा और फिर दोनों हाथों से इसको जैकेट को क्लोज करूंगा। अब हम इसको हम थोड़ा सा इसको इस बोर्ड को इसके ऊपर बिठाएंगे और बिठाने के बाद एक दफ़ा थोड़ा सा टेस्ट रन करेंगे कि आया कि हम, तो हमने इसको यहाँ पे फिक्स किया। अब हम थोड़ा सा टेस्ट रन के लिए इसको थोड़ा सा सीधा फिक्स कर देंगे ताकि हम इसका थोड़ा सा टेस्ट रन चला सकें, फिर इसको हम प्रॉपरली मुकम्मल तौर पर कोशिश करेंगे कि ये ड्राई कर लें और ड्राई करने के बाद हम इसकी बाकी ये भी हमें साथ लगाना है। टेस्ट रन के लिए हम थोड़ा सा इसको फिक्स किया, ये इसका बटन भी ऊपर लगा लेते हैं ताकि इसको जो बाद में लगाते हैं। देखिए हमने ऑलरेडी एक ऑन पे की हुई थी सर, पानी ले रही थी मशीन इसलिए हमने इसको बंद कर दिया कि मशीन सब कुछ अपनी कर रही है परफॉर्मेंस। हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ी देर के लिए इस तरफ हमें रोशनी, फिर इसके बाद हम इसको रन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे स्क्रू लगाने हैं, तार उतार दें प्लीज।
टाइम लैग होना चाहिए ताकि लोग हमने ऑलमोस्ट पैनल को सेट कर लिया। अभी ये जो पैनल के साथ स्क्रूज हैं, बेसिकली ये मशीन आते हुए कहीं पे ब्रेक हो गई थी, इसकी यहाँ से ब्रेक हुई थी वो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से थोड़ी सी ब्रेक हो गई है, इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ से कंट्रोल करना मुश्किल है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ें रखेंगे, तो साथ हम इसके ऊपर कोई ऐसी सिलिकॉन लगाते हैं ताकि इसके अंदर से पानी वगैरह ना जाए अंदर, और इसका टेप भी लगा देंगे यहाँ से थोड़ी सी ताकि लीकेज वगैरह भी ना रहे। ये देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था कि ये हमारी लेफ्ट साइड की ब्रैकेट है जो कि ब्रेक हुई हुई थी ऑलरेडी, इसने यहाँ पे आके फिक्स होना है। यहाँ पे फिक्सिंग के लिए इसको हम जस्ट इसके ऊपर ये स्क्रू है यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे ये फिक्स होगी, और अंदर करेंगे तो ये ऑलरेडी इसके साथ ये अब ओरिजिनल फिक्स हुई है। ये थोड़ी सी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी टेप लगा देंगे वो ताकि ये लीकेज वगैरह यहाँ से सीपेज वगैरह ना जाए। ये एक साइड होगी, दूसरी ब्रैकेट है, दूसरी ब्रैकेट के लिए देखें ये स्क्रू है, इसको हम पहले थोड़ा सा यहाँ से पुश कर लेंगे अंदर, क्लिप है क्योंकि जब यहाँ पुश करेंगे तो ये बैठ जाएगी, लेकिन अभी फिक्स होकर बैठ गई है इसके ऊपर। सिर्फ हमारा जो प्रॉब्लम है वही यहाँ से है, यहाँ पे हम टेप लगाएंगे, इसको टिक्की तरीके से अंदर डालेंगे क्योंकि आपको बताया था ये ऑलरेडी यहाँ से ब्रेक है। यहाँ पे जगह खाली है, इसका मतलब ये फिक्स नहीं हुआ वहाँ पे, इसको अंदर से फिक्स हम ऐसा करेंगे कि इसको साथ लगाएं पहले और फिर अंदर लेके जाएं। जी गाइस फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट मैंने इसको फिनिश कर दिया। यहाँ से ब्रेक हो गई थी जब ये आ रही थी ड्यूरिंग ट्रांजिट, यहाँ से थोड़ी सी ब्रेकिश थी इसके अंदर, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी टेप लगा के इसको, क्योंकि मेन पैनल यहीं पे है, इसको हम क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे कि ताकि कोई प्रॉब्लम इसमें हो ना। ऑलमोस्ट इसके अंदर टेप ही हम इसको जोड़ेंगे, जी गाइस, तो हमने इसको ऑलमोस्ट पैक कर लिया। यहाँ से हमें अभी टेप नहीं मिली, हमने यहाँ से इसको प्रॉपरली यहाँ से जोड़ना है ताकि यहाँ से कोई लीकेज वगैरह ना जा सके। थोड़ी सी यहाँ से अभी ये सही नहीं है, तो बाकी ऑलमोस्ट तकरीबन हम यहाँ पे हम टेप लगाएंगे ताकि ये अपनी इस लोकेशन पे बैठ जाए और पानी के छींटे वगैरह ना जाए। फिलहाल इसको बंद करके हम चलाते हैं, ये बटन था ये बंद चल नहीं रहा था, ये भी चल रहा था।